आपका शुरुआती जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और आप लगातार समाज के प्रति अब काम कर रहे हैं, ऐसी चीज है जो आपको जीवन में प्रेरित करती है समाज के लिए? मेरी मन की भावना ऐसी रहती है कि अपने लिए तो लोग करते हैं, हमने सामाजिक काम भी बहुत किए हैं, समाज के साथ जुड़े रहे हैं बचपन से लेके अब तक। कोई मेरे पास आए, कोई भी किसी तरह का काम बताए, तो जो काम मेरे से हो सकता है उसमें मैं सदैव तैयार रहता हूं। ये मेरा विचारधारा है। इंसान जन्म लेता है लक्ष्य और आशियोनी भोगने के बाद, तो इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। तो मेरा लगाव यही रहा, अच्छे कर्म किए, और यही हमेशा मेरी भावना रहती है। हट्टी जी, जीवन में आपने बहुत तरक्की की, वो कौन सी चीजें रही जिन्होंने आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? जीवन में आगे बढ़ाने वाली मेरी माता जी थी। वो 24 साल की उम्र में विधवा होने के बाद वो उन्होंने मेरे को पाला, उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया। उन्होंने ये कहा कि बेटा किसी की चीज चोरी नहीं करनी है, किसी से झूठ नहीं बोलनी है, जो बात करनी है सच्ची करनी है। उन्होंने मुझे बचपन में इस लाइन पर डाला था, आप चोरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, किसी को दगाबाजी नहीं करोगे, किसी की बहन बेटी हो उसके लिए भी आप अपनी बहन बेटी जैसी समझोगे। ये भी उन्होंने कहा था कि बेटा हाथ का सच्चा और लंगोटी का पक्का, दुनिया में कहीं चले जाओ कोई रोका नहीं है। ये मेरी माता जी की वो थी, तो मैंने उसी आधार पे मैं चला बचपन से। मैंने पर्यंत जीवन 18 घंटे काम किया है, कोई भी काम है, किसी का भी काम है, मेरा अपना बिजनेस है, सही तरीके से किया, किसी मालिक को झूठ नहीं बोला, किसी को पैसे के लिए झूठ नहीं बोला। तो मैंने आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि सच्चाई से चलना, मैं ईमानदार और सच्चाई के साथ चलता रहा और यही मेरा प्रण रहा, और यही मैं मेरे बच्चों को भी शिक्षा देता हूं। मैं एक कम पढ़ा लिखा, एक छोटे घर में पैदा होकर के आज मेरे बच्चे भी अच्छी जगह पे हैं, अच्छी पढ़ाई किए हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और एक झुग्गी से लेकर के आज मैं कोठी में आकर बस गया। ठेकेदार जी, आपने बचपन से रूढ़ियों को तोड़ा है, जहां प्रारंभिक शिक्षा केवल एक खास तबके तक सीमित थी, वहां आपने स्कूल में जाकर खुद नाम लिखवाया और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी। उसके बाद जब आपकी शादी की बात आई तो आपने खुद लगभग 40-45 साल पहले 47 साल हो गए कि जिसके साथ आप जीवन बिताना है उसको आप देखें, उससे बातचीत करें, अपने लिए एक सही साथी तलाशें। हालांकि शुरुआती दौर में इसका विरोध हुआ और बाद में आपको कामयाबी मिली एक ऐसा जीवन साथी पाने में, तो आप क्या महसूस करते हैं कि उनके साथ पूर्ण देवी जी के साथ जो काउंसलर भी रही हैं फरीदाबाद से, उनके साथ आपके ये जो दाम्पत्य जीवन है ये कैसा रहा और आप कैसा महसूस करते हैं अभी? उनके साथ मेरा जीवन इतना अच्छा व्यतीत हुआ है, जैसे मियां बीवियों में झगड़ा होता है, हमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। जो मैंने बोला मेरी आज्ञा का पालन किया, जो उन्होंने बोला मेरे को वो मैंने भी किया। ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने कभी तो मेरे घर की मालिक नहीं बना दिया, क्या मैं तो बाहर का काम करता रहा, पैसे लाके खर्चा पानी को दे दिए, वो अपना घर चलाती रही, बच्चों को पढ़ाती रही। इसमें योगदान बच्चों की पढ़ाई में मेरी पत्नी, और सबसे बड़ा मेरी जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका नाम विमला है, उसने भी मेरी बड़ी सहायता की। तो पढ़ाई की मैं, मेरी पत्नी और मेरी बड़ी लड़की जब तक मेरे घर पर रही उसका भी बड़ा योगदान रहा। मेरा जो जीवन है इतना अच्छा कटा है क्योंकि घर में कोई कलेश नहीं, किसी चीज का विरोध नहीं, और आज की डेट में भी एक लड़के की शादी को 16 साल हो गई, एक को 10 साल हो गई है, हम इकट्ठी फैमिली जॉइंट रहती है, एक ही
एक ही उस पर हमारा खाना बनता है। ठेकेदार जी, आप सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं करौली से और बहुत बड़ी तादाद में आपको वोट भी वहां पड़े, अब पत्नी जनप्रतिनिधि हैं, अब क्या चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चे पॉलिटिक्स में आए, समाज के साथ जुड़े, समाज को नई दिशा दें, कुछ उस तरह का आपने उनके लिए सोचा है बच्चों के? मैं अकेला ही नहीं, मैं जो काम करता हूं वो सलाह से करता हूं, बेटा हो, बहू हो या पत्नी हो, सबकी सलाह से काम किया जाता है, उसमें आदमी सफल होता है और उसका भगवान भी साथ देता है। ठेकेदार जी, आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आगे की योजनाएं क्या है? हम जो है जिस तरीके से चल रहे हैं इसी तरीके से हम आगे काम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और समाज सेवा करते जाएं। हमने कभी नहीं सोचा कि ये आदमी हमारे काम का नहीं है, इससे बात क्यों करें, तो हम तय दिल और प्यार से बात करते हैं, कभी उसको ना गलत गाइड करते, जो हमारे विचार सही होते हैं तो हम सही बताते हैं, आगे उसका करना होता है। तो इसलिए हमारा जो है, हमें ये महसूस होता है और ये मन की भावना होती है, हमें पहले ही पता लग जाता है कि आगे भविष्य क्या है, मतलब हम चलते चलते कुछ मन में ऐसे विचार बन जाते हैं कि हमारा ये काम ठीक है, परमात्मा हमारा साथ देगा और हम उसमें कामयाब होंगे। वॉइस ऑफ फरीदाबाद से बातचीत करने के लिए ठेकेदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।